दोस्तों भारतीय टीम को सुपर फोर के चौथे मुकाबले में श्रीलंका के सामने एक और हार का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों इस वजह से क्या भारतीय टीम अब एशिया कप का फाइनल खेल पाएगी कि नहीं, तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में बात करते हैं। जहां दोस्तों भारतीय टीम को सुपर फोर के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के सामने करारी हार झेलनी पड़ी थी, तो वहीं श्रीलंका के सामने भी भारतीय टीम को एक भारी हार का सामना करना पड़ा। जहां भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 173 रन बनाए थे और भारतीय टीम की शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि केएल राहुल छह तो कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए थे। जहां कप्तान रोहित ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और वो 72 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 34 रन बनाए थे और इसके बाद हार्दिक और ऋषभ पंत 17-17 रन बनाकर आउट हो बैठे थे। जहां भारतीय टीम की बल्लेबाजी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को छोड़कर कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं रही थी और इस वजह से भारतीय टीम 173 रन बना पाई। और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में काफी लाजवाब रही थी, क्योंकि पहले विकेट के लिए ही उनके ओपनर बल्लेबाजों ने 97 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और श्रीलंका की टीम ये मैच एक बॉल पहले जीती थी। और श्रीलंका की तरफ से पतोम निसंका ने 52 रन बनाए थे, तो वहीं कुशल मेंडिस ने 57 रन बनाए थे, तो वहीं कप्तान धासुन संका ने 33 रनों की शानदार पारी खेली और राजपक्षे भी 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जहां श्रीलंका की टीम ने इस मैच में जीत हासिल करते ही अपनी जगह फाइनल के लिए लगभग पक्की कर ली है। क्या दोस्तों अब ऐसे में भारतीय टीम अब फाइनल में पहुंच पाएगी, तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में जानते हैं। जहां दोस्तों भारतीय टीम को उनके दोनों ही सुपर फोर के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और इस वजह से भारतीय टीम अभी पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है। तो वहीं श्रीलंका की टीम ने अपने सुपर फोर के दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करी है और वो 4 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर है। तो वहीं पाकिस्तान की टीम ने अभी केवल एक मैच खेला है और वो एक मैच जीतकर पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है। तो वहीं आखिरी पे अफगानिस्तान की टीम है, लेकिन उन्होंने अब तक केवल एक मैच खेला है। जहां एशिया कप के फाइनल के लिए अभी इनमें से किसी भी टीमों ने क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को हरा देती है तो फिर भारतीय टीम एशिया कप की रेस से बाहर हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे में अगर बात करें क्या भारतीय टीम अभी भी फाइनल खेल सकती है क्या, तो दोस्तों हम आपको बता देगी पाकिस्तान के बचे हुए दोनों मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो तब भारतीय टीम के पास मौका होगा कि वो एक मैच में एक तगड़ी जीत हासिल करके रन रेट में अपना सुधार करे और वो दूसरे नंबर पर पहुंचे, तब जाकर भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर पाएगा, लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों ऐसे में आज पता लग जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने वाली है और कौन सी टीम बाहर हो चुकी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।